हे गाइस, बात करने वाले हैं यहाँ पर सुमेध और मल्लिका के बारे में। सुमेध मुदगलकर और मल्लिका सिंह की बात करें तो ये जोड़ी राधा कृष्ण शो से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है। राधा जी के कैरेक्टर में मल्लिका सिंह देखने को मिली थी, कृष्ण जी के कैरेक्टर में सुमेध मुदगलकर देखने को मिले। दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था इस शो के ज़रिए। और ख़ासकर बात करें, 4 साल तक जोड़ी ऑनर रही थी, ऐसे में शो ने बहुत हाईएस्ट TRP गेन करी है, तो जोड़ी तो पॉपुलर बनती ही है, पॉपुलर थी जोड़ी। यही वजह रही इनको बेस्ट एक्ट्रेस एंड एक्टर, बेस्ट जोड़ी, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये जोड़ी को लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, दोबारा से इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं। तो किस प्रोजेक्ट के थ्रू ये जोड़ी देखने को मिलेगी, बता दें आपको, जब से राधा कृष्ण ऑफेयर गया है, जब से इन दोनों की एग्जिट हुई है, तब से फैंस जो हैं जोड़ी को लेकर लगातार डिमांड कर रहे हैं। अपने अपने पॉपुलर शो, अपने अपने तरीके से लोग डिमांड करते रहते हैं, कोई डेली शो के ज़रिए उनके फैंस देखने चाहते हैं, तो कहीं कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं म्यूज़िक एल्बम के थ्रू नज़र आनी चाहिए, तो कुछ वैसी ही बातें भी सामने आती रहती हैं, खबरें आए दिन निकल कर आती ही रहती हैं सामने। लेकिन क्या सच में इन दोनों की जोड़ी साथ में देखने को मिल पाएगी? आप लोगों का क्या कहना है इस जोड़ी को देखने के लिए? आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं? सुमेध मुदगलकर और मल्लिका सिंह की बात करें तो राधा कृष्ण शो के बाद से दोनों ही काम करते हुए नज़र आए हैं TV पर्दे पर। हातिम के कैरेक्टर में अली बाबा शो के अंदर देखने को मिले थे, नेगेटिव कैरेक्टर वहाँ पर प्ले करते हुए नजर आया सुमेध मुदगलकर। तो वहीं बात करें मल्लिका सिंह की, तो कौरवकी के कैरेक्टर में अशोक के अंदर देखने को मिली, जो कि कलर्स TV पर रिलीज हुआ था। तो यहाँ पर दोनों ही काम करते हुए देखने को मिले हैं, पर दोनों एक साथ नज़र नहीं आए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नज़र नहीं आए हैं, जबकि फैंस जो है उनको एक दूसरे के अपोजिट देखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, दोनों की जोड़ी देखना चाहते हैं। सो देखते हैं कि ये जोड़ी किस तरीके से आपको देखने को मिल पाएगी। हालांकि जिस तरीके से आप लोग की डिमांड हाई है, ऐसे ही डिमांड हाई रखी और दिनों दिन ये डिमांड बढ़ती जा रही है, इससे ये बात के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जोड़ी आपको बहुत जल्द साथ में देखने को मिल सकती है। अभी तक म्यूजिक एल्बम मल्लिका सिंह का रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन शोएब इब्राहिम के अपोजिट वो म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हुआ है, तो ऐसे में चांसेस हैं कि सुमेध और मल्लिका आपको म्यूजिक एल्बम के थ्रू भी देखने को मिल पाए शायद। एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।